नमस्कार, आपका स्वागत है नेशन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। अगली खबर सहरसा से। सहरसा जिले में अपराधियों के हथियार के बल पर फिल्मी स्टाइल में एक युवती का अपहरण कर लिया। इतना ही नहीं, युवती के साथ मौजूद उसके भाई को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया और फिर अपराधी युवती को लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामला सदर थाना के कृष्णनगर वार्ड नंबर 22 की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि देर रात लड़की के परिवार गहरी नींद में सो रहे थे, उसी वक्त आरोपी घर में घुसकर दर्जनों राउंड गोली चलाई और युवती को जबरन लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में बताया कि युवती पहले से शादीशुदा है और आरोपी को पहले से जानती है। पुलिस ने युवती की जल्द ही बरामदगी का आश्वासन भी दिया है। एक आदमी हमारे घर में घुस गया था, हम लोग सोए हुए थे। जब इसका आवाज हुआ कि वो घुसा हुआ है, तो हम जगे और उसे देखे कि मेरी बहन की तरफ जा रहा था, तो उसे पकड़ के बंधक बना लिए। और वो जो है सो इसी बीच में अपने दोस्तों को फ़ोन करके 20-25 आदमी को बुला लिया और हथियार के दम पे मेरी बहन को जो पकड़ के ले गया और इसका विरोध करने पर। और इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ सहरसा से इंद्रदेव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हथियार के बल पर दिन दहाड़े इस तरह फायरिंग कर एक युवती को आरोपी फरार कर ले गए। इंद्रदेव, ये बताइए, वहां पर पुलिस अब तक क्या कर रही है? क्या पुलिस ने अब तक फरार आरोपी को पकड़ा है? क्या गिरफ्त में आया है क्या आरोपी? जी, ये सदर थाना 22 नंबर की है, वार्ड नंबर 22 की घटना है। और अभी पुलिस, ये सदर डीपीओ संतोष कुमार जी का कहना है कि छापेमारी चल रही है और अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रही है हम जी। तो फिलहाल इस पर क्या कुछ कहना है पुलिस का? पुलिस को कोई बरामदगी अभी हाथ लगी, क्योंकि अभी फरार आरोपी की तलाश की जा रही है, क्या अब तक कुछ हाथ लगा है पुलिस के? जी, उनका कहना है कि अभी तक कोई ऐसा छापामारी लगातार की जा रही है, लेकिन किसी की बरामदगी, कोई अपराधी का गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंद्रदेव। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। धन्यवाद।